नेपाल एक विकसित देश क्यों नहीं बन सकता, इसके सूटेबल कारण आज हम आपको बता सकते हैं। नेपाल के पास इतना पैसा होने के बावजूद या फिर नेपाल के पास सोर्स ऑफ इनकम होने के बावजूद भी एक मिडल फैमिली या फिर एक मिडल कंट्री के बीच में क्यों आता है, आज हम इसके भी कारण बता सकते हैं। जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो हमें सबसे बड़ा धोखा देता है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। एक नेता उभर कर आया जो कि पहले मीडिया एंकर था, रवि लामिछाने, एक ऐसी आवाज़ जो कि सभी नेपालियों के, युवा नेपालियों के दिलों की धड़कन बनकर खड़ी हो गई। लेकिन जिस प्रकार से उन पर आरोप लगे हैं, वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन अगर वो सच्चे हैं तो ये कन्फर्म है कि वास्तव में ये विश्वास ही धोखे वाली बात हो गई। इसके बारे में जानेंगे वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कोई अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का ऐसे कह सकते हैं फाउंडर, पहली बार में अच्छी सीटें पाना, गृह मंत्री का भी पदभार संभालना और सरकार की यहाँ पे कई बार उनके विपक्ष में बोली गई टिप्पणियाँ, इसके साथ साथ यूएसए के वीजे के बाद उनकी नागरिकता पर सवाल, उससे पहले भी फंसे हैं। तो ये मामला भी कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि कोई संदेह हो सकता है, कोई संदिग्ध हो सकता है। और यहाँ पे रवि लामिछाने का क्या कहना है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये जो घोटाला हमारे सामने आ रहा है ये सच है, वो तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन अगर सच है तो बहुत बुरा है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम यहाँ पे गिरफ्तार हो चुके हैं 1.35 अरब रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में, जो कि लोगों को ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, जो कि लोगों को ये समझाते हैं कि नेपाल का विकास हम करेंगे, जो कि ये कहते हैं कि जो युवा शक्ति है वो एक हो जाए। नेपाल में पुलिस के पूर्व डिप्टी यहाँ पे पीएम रवि लामिछाने को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहकारी समिति से संबंधित धन की हेराफेरी के मामले में उन्हें ये करा गया है गिरफ्तार। वह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की तैनाती एक पुलिस टीम ने काठमांडू के वनस्पतली में उनकी पार्टी के मुख्य कार्यालय में उनको गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ मुकदमा चलने के लिए उन्हें पोखरा ले जाया जा रहा है, क्योंकि मामला कास्की जिला पुलिस के ने दर्ज किया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि धोखाधड़ी का मामला है और जनता का विश्वास जीतकर ये घोटाले का बातें करी जा रही है, जो कि वास्तव में बहुत ही ज़्यादा दयनीय बात है। गिरफ्तारी से पहले एक भाषण आया है रवि लामिछाने का। लामिछाने ने गिरफ्तारी से पहले अपनी पार्टी के बाहर समर्थक जो खड़े थे उनको भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने भी समझौता कर लिया होता तो ये हालात आज मेरे को देखने नहीं पड़ते। यानी कि इस घोटाले में वो अपने को बिल्कुल बाहर समझते हैं और उन्होंने समझौता नहीं किया, इसलिए उन्हें फंसाया जाने की बात करी जा रही है, ऐसा रवि लामिछाने का कहना है। लेकिन हम किसी भी समझौते के पक्ष में नहीं हैं, हम सभी कानूनी परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सरकार मर चुकी है और हम शोक में हैं। आपकी कलाई घड़ी की कीमत लाखों में है, यानी कि सरकार के उन नुमाइंदों को कह रहे हैं वो कि आप घड़ी जो पहनते हैं वो लाखों में पहनते हैं और मेरे हाथों में हथकड़ी है आज, तो आप बिचौलियों की सेवा करते हैं और तस्करों की ओर से उपहार दिए गए महंगे चश्मे पहनते हैं। यानी कि वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं और उनका जिस अंदाज में भाषण आया उसका ये मतलब निकलता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। अब ये बात तो बाद में तय होगी क्योंकि कोर्ट जो फैसला लेगी उसके नज़रिए से, लेकिन फिलहाल वो संदिग्ध के दायरे में है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।